गठबंधन है जरूरी नहीं है मजबूरी। देखिए मोदी 3.0 की तस्वीर क्या है वो हम आपको दिखा चुके हैं, बहुत सारी चीजें नहीं बदली हैं, संकल्प वही है, तेजी वही है और मंत्रिमंडल भी कई हद तक वही है। ट्रस्टेड चेहरों की को फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है और जाहिर है विकसित भारत का सपना संजोए पीएम मोदी अपनी तेज रफ्तार से आगे भी बढ़ रहे हैं। इन सब के पीछे एक बात साफ है, नई एनडीए सरकार में गठबंधन जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं। करेंगे चर्चा इस पर लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मोदी 0.3 में मंत्रालय के बंटवारे के साथ ये तय हो गया कि पीएम मोदी अपनी कोर टीम में बदलाव नहीं कर मजबूत संकल्प के साथ कर्तव्य पथ पर डटे हैं। जाहिर है पीएम मोदी के लिए इस कार्यकाल में सहयोगी दल जरूरी तो हैं, लेकिन मजबूरी नहीं। ये तस्वीरें तस्दीक भी कर रही हैं। विभागों का बंटवारा होते ही किस तरह फुल एक्शन में है मंत्री, मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर तो सुबह 8:30 ही मंत्रालय पहुंचे, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 9:00 पहुंच गए, मतलब ड्यूटी ऑन टाइम। सब कुछ एकदम तय और नियत समय पर परफॉर्मेंस की तैयारी। तस्वीरें देखकर एक बात तो क्लियर है, मोदी सरकार का पहला कार्यकाल रहा हो, दूसरा रहा हो चाहे अब तीसरा, पूरी शक्ति और जोश के साथ पीएम मोदी अपने कर्तव्य पथ पर डटे हैं। माना कि पहले और दूसरे कार्यकाल में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत था, लेकिन तीसरे कार्यकाल में बीजेपी अपने सहयोगी दल पर निर्भर है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वही जब से पीएम मोदी का शपथ ग्रहण हुआ है तब से पीएम मोदी के एक्टिवनेस से कहीं ऐसा नहीं लगा कि सहयोगी दलों के दबाव में हैं। पीएम मोदी के सीसीएस में बीजेपी कोटे से ही सारे मंत्री हैं। पिछले कार्यकाल में जो मंत्री थे वही रिपीट किए गए हैं, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो या फिर निर्मला सीतारमण। वही पिछली सरकार के कार्य को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो क्या एनडीए के सामने चैलेंज है और एनडीए में भी खासकर क्या बीजेपी के सामने चैलेंज है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विमल सिंह जुड़ चुके हैं, इसके अलावा कांग्रेस नेता अजय वर्मा भी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट गीता भट्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगी और अजय वर्मा साहब तो टीवी स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और अजय जी, अगर आप तक आवाज आ रही है मेरी तो शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा। बड़ी जिम्मेदारी और जबरदस्त परफॉर्म तो किया ही है इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस ने, लेकिन देखने में एक भारतीय के तौर पर जब हम सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द बॉस, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री की यही बोल्ड इमेज गठबंधन धर्म निभाने में रोड़ा बन सकती है, स्पीड ब्रेकर आ सकता है? नहीं नहीं, आदमी को नेचर नहीं बदलना चाहिए। हाँ, अगर बोल्ड इमेज है तो उसे बोल्ड ही रखनी चाहिए, ये इनका धर्म भी कहता है और ये बात तो मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं कि आदमी को तो बोल्ड इमेज रखनी चाहिए, रोहित पोखरियाल जी जी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है नरेंद्र मोदी जी का जो स्टाइल है। मैं तो कह रहा हूं कि उन्हें आज भी, उस दिन मुझे तो बड़ा दुख हो रहा था छोटी सी चीज का कि वो दो चार बार नाम तो लेते एनडीए का, 100 बार बीजेपी का नाम लेते, उन्होंने उस दिन एक बार बीजेपी का नाम नहीं लिया। उन्होंने एनडीए 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 करते रहे। अरे भैया, बीजेपी से आप मूल है, ऑर्गन है, उत्पत्ति है आपकी, वो मूल पार्टी है, आपकी जननी है, लेकिन चूंकि बीजेपी तो वो जब भी नहीं कहते थे रोहित जी, जब वो कहते थे मित्रों मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी है। एक्चुअली में क्या है रोहित जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अधिनायक बाद वहां पार्टी नहीं है, वहां आदमी बड़ा है पार्टी छोटी है। हमारे यहाँ पार्टी बड़ी है आदमी छोटा है। आपने बधाई बहुत बहुत, हमने बधाई दी नरेंद्र जी को, हाँ। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, लेकिन आज 2-3 जो वीडियो, एक तो मोहन भागवत जी का उन्होंने नसीहत दी और उनको आईना दिखाया और उन्हें बताया कि हमने क्या आधार बनाया था नरेंद्र जी, और आपने जो ये करा है, 3 चीजें उन्होंने विशेष तौर पर कही। एक तो कि जो विपक्षी होता है वो दुश्मन नहीं होता, प्रतिपक्ष कहता हूं मैं उसे, वो प्रतिपक्ष होता है, व्यवहार उसके साथ ठीक करिए। दूसरा, जो एआई आधुनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू आप झूठ को बदल के चीजें बदल देते हैं वो ठीक नहीं है, ये भी ठीक करिए। तीसरा, उन्होंने कहा मणिपुर 10 साल में कुछ नहीं था, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को ऐसी परिस्थिति नहीं थी, इस पर विचार करना चाहिए। तो पूरे देश के जग जाहिर है कि किस तरह से नड्डा जी का वो विवादित बयान था, किस तरह से आरएसएस ने तो आधार बना के बीजेपी को लाए थे, उसको खत्म करके और बैक पे ला दिया था, चलिए मान लिया जाए। अब आप
ये एक एन की सरकार नहीं है, ट्रिपल एन की सरकार है। हाँ, नरेंद्र क्या कहा थी ये बात, नायडू नीतीश और नरेंद्र, बता दूं बस फाइनल कर रहा हूं, नरेंद्र नायडू और नीतीश, और चौथा एन आ जाता है एन यानी गठबंधन एनडीए। तो ये तीन सरकार जब तक नरेंद्र जी की इच्छा पर नहीं चलेगी, अब ये वैसाखियों की सरकार हो गई है, ये चलेगी अब, आप कुछ भी बदल लें कुछ भी कर लें। अभी तो वो संयोजक मांग रहे हैं, जो हमें लोग बता रहे हैं पब्लिक डोमेन में, वो कह रहे हैं स्पीकर दीजिए हमें, वो कह रहे हैं मंत्रालय नहीं दिया, वो इंतजार कर रहे हैं कल मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले लें और उसके बाद वो चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है अजय जी, क्योंकि तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट आपने पहले ही अपने रिएक्शन में रख दिया, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। विमल सिंह जी भी हैं आपके साथ ही, बीजेपी प्रवक्ता हैं विमल सिंह। विमल जी स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। इमेज तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, और खुद देखिए अजय जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी बोल्ड इमेज बदलनी नहीं चाहिए, वही रहनी चाहिए। कई ऐसे मसले हैं जिस पर नीतीश बाबू नायडू साहब बहुत ज्यादा प्राथमिकता है उनकी नहीं रही है, जो आपके प्राथमिक मुद्दों में रहे हैं। सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल? देखिए रोहित जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास तो नेता है और नेतृत्व है जिसका बोल्डनेस है, जिसके पास कार्य करने का बोल्डनेस है, जिसके पास जनता के पास पहुंचने का बोल्डनेस है, जो ग्राउंड लेवल पर जाके लोगों की जितनी भी समस्या है उसको दूर करने का बोल्डनेस है। लेकिन इनके पास एक ऐसे नेता है जिनके पास ना बोल्डनेस है और जल्दी ही बोल्ड हो जाते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, हमारे मित्र बता रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है एनडीए को हमेशा लेकर चली है और हमेशा हम एनडीए का सम्मान किए, अपने घटक दल का हमेशा सम्मान किए। जब 1999 में जो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय भी एनडीए की सरकार थी, और 2014 में भी जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली थी वो भी सरकार जो एनडीए की थी, और 2019 से 2024 की जो सरकार थी वो भी एनडीए की थी, और आज देख रहे हैं तीसरी बार जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो अपना गारंटी कार्ड दिया है, चाहे हमने जो भी वादे किया हमने सारे वादे पूरा किया है, तो हमारे अंदर तो बोल्डनेस दिखाई देगा ना। रही बात इन्होंने बोला कि नीतीश जी का और नायडू जी का, तो मैं बता देना चाहता हूं कि नीतीश जी और नायडू जी हमारे साथ हैं और हम बड़े प्यार के साथ प्रेम के साथ सौहार्द के साथ जो है मिलकर सरकार चलाएंगे। और राहुल गांधी जी जो है जिस तरीके से उनको देश की जनता नकारती हुई आ रही है, वो विपक्ष में बैठ के जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अभी उन्होंने जो है बोला कि मोहन भागवत जी ने यह वक्तव्य दिया, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक स्कूल में बच्चों के लिए जो है टीचर जो होता है एक मार्गदर्शक होता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो मार्गदर्शक है वो आरएसएस है और शुरू से वो हमारी मार्गदर्शन करती हुई आई है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी इन्होंने बोला है कि मणिपुर के अंदर, तो देखिए मणिपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे गृह मंत्री जो है तत्कालीन जो है गंभीरता को लेते हुए वहां पे कार्रवाई भी की, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और हमारे बहन बेटियों को, कांग्रेस के हमारे मित्र से कहूंगा कि बहन बेटियों को चिंता तब नहीं थी जब राजस्थान के अंदर जो है महिलाओं के साथ अपराध हो रहा था, जब महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा था, जब संदेश खाली में जब महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा था तब वहां पे बहन बेटियों की चिंता नहीं थी। उत्तर प्रदेश में तो आप गठबंधन जो है में आके चुनाव लड़े हैं, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी में नंबर वन पे जो है सरकार, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो अपराध के मामले में नंबर वन जो है उत्तर प्रदेश आता था, तब आपको माँ बहन बेटियों का जो है इज्जत समझ में नहीं आता था। मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब भाइयों के लिए, युवाओं के लिए जितना कार्य हुआ है उतना इनके जमाने में नहीं हुआ। जाहिर तौर पर यूपी में आप लोग हमेशा से कहे हैं कि काम हुआ है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस बार यूपी ने आपको झटका दिया है। मंथन चिंतन जरूर आप इस पर कर रहे होंगे। एक छोटा सा रिएक्शन विमल जी, मैं वापस आ रहा हूं, छोटा सा रिएक्शन अजय जी आप दीजिए, क्योंकि फिर गीता जी भी जुड़ चुके हैं। 30 सेकंड अजय जी, 30 सेकंड। ब्रिजवल रेवन्ना की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बैठने आईटी सेल के प्रभारी इंचार्ज अमित मालवीय का एक वीडियो और एक आरएसएस और बीजेपी के नेता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है बंगाल में कि इसने ये लड़कियां मंगवाता है और ये उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सारे बलात्कारी बीजेपी में ही है और ये यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं और यूपी ने इनको करा था तमाचा दे दिया। भगवान श्री राम इनसे नाराज, हनुमान जी इनसे नाराज, ये पता नहीं किस घमंडिया गठबंधन के घमंड में है ये लोग, अभी भी सुधर नहीं रहे। वो तो जनता ने हमें 20-25 वोट और नहीं दी, नहीं तो हम सरकार बदल देते, इनका घमंड तोड़ देते, लेकिन भगवान श्री राम तोड़ेंगे। क्योंकि मुझे थैंक यू भगवान श्री राम का, अंध भक्तों का नहीं है, अयोध्या में राम भक्त अंधभक्त नहीं है। चलिए अजय जी, अजय जी ये भी अच्छा लगा कि कांग्रेस भी राम भक्तों का इतना सम्मान कर रही है, बहुत अच्छी चीज है। मैं आ जाऊंगा विमल जी, अब हमारे साथ गीता भट्ट भी हैं। गीता जी
बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर, आप तो आती रही हैं। अब जिस गठबंधन चला पाएंगे, एनडीए के लिए बड़ा चैलेंज होगा, खासकर बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, वन मैन शो बीजेपी में चला, ऐसी बातें अभी अजय जी साहब ने भी कही। लेकिन आपको लगता है, मैंने पहले भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री की जो बोल्ड इमेज है देखने में सुनने में अच्छा लगता है, वैश्विक पटल पर जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के फैंस, वहां की संसद के सांसद प्रधानमंत्री के साथ सेल्फीज लेते हैं, उनके फैसलों का स्वागत भी करते हैं, कई जगह पर उनके फैसलों के खिलाफ भी हमने वो तमाम तस्वीरें देखी है, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा तबका इसको पसंद करता है। और इसलिए मैंने पहला सवाल यही पूछा कि क्या गठबंधन धर्म निभाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोल्ड इमेज रोड़ा हो सकती है क्या? 71 शपथ हुई, उसमें 24 राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। विमल जी मैं आपके पास आ गया। विमल जी प्लीज। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये राम मंदिर की बात करो, देखिए अयोध्या में हम हारे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ हम अपना हार को स्वीकार करते हैं, हम जनता के बीच नहीं पहुंच पाए या क्या खामियां रही, हम इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन जहां पे भी उत्तर प्रदेश में हम हारे हैं, बहुत वोट परसेंट अगर आप देखते हैं, बहुत कम वोट परसेंट थे भारतीय जनता पार्टी या हमारा जो एनडीए, बहुत कम परसेंट थे, चुनाव हारा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र, आपने जो है दिल्ली में, आपकी सरकार थी ना पहले 2015 से पहले, दिल्ली में आप सातों की सातों सीट हार गए, उत्तराखंड में आपका खाता नहीं खुला। दूसरे चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश में शून्य पे रह गए। अरे मेरे मित्र, आमलेट की दुकान खोल लीजिए, शून्य और अंडा देते हुए फिर रहे हैं आप सारे राज्यों में, कम से कम आमलेट तो बेचेंगे। दूसरी चीज देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लोगों के बीच पहुंच के कार्य किया है, बिजली में, सड़क पे राशन दे रहे हैं गरीबों को, हम एम्स जो है पहले 7 था 23 बनाए हमने, जो है स्वास्थ्य में, चाहे हम शिक्षा की बात करें, हमने विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ाई, हमने IIT कॉलेज की संख्या बढ़ाई, हमने IIM कॉलेज की संख्या बढ़ाया, तो हमने इतना कार्य किया है कि जनता ने दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी को अकेले 240+ जो है भारतीय जनता पार्टी को सीट जो है उनके खाते में डाली है, एनडीए के खाते में जो है 293 सीटें हमारे एनडीए खाते में आया। मैं कहना चाहता हूं कि हमको तो जनता ने अपना सिरमौर बना दिया। अरे आप सोचिए ना, आप अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, डबल जो है आंकड़े में सिमट के रह गए। मैं कहना चाह रहा हूं, आपके जो नेता जिसको जो है कांग्रेस सिर्फ जो है हाईलाइट करना चाहती है, देश की जनता जिसको गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है, वो जो है आज जो है बैठे हुए हैं। मुद्दे की बात होनी चाहिए, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मैं बात कहूंगा, प्रधानमंत्री जी भी हमारी बात करते हैं कि हमेशा जो है एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है सबका अधिकार होता है। ये तो सोचा ये कि एक जबरदस्त विपक्ष होना चाहिए, और इस बार अगर आप लोगों की सीटें कम हुई है तो वहां से भी कई तरह की चीजें हैं। गीता जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो सवाल मैंने आपसे पूछा ही था, प्रधानमंत्री की इमेज, क्योंकि अब तक चीफ मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया तो भी अपने दम पर सरकार आए, अपने दम पर नंबर्स आए, 2014-2019 में अपने दम पर बंपर मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। जी रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है? मैम एकदम क्लियर। जी रोहित जी, देखिए ऐसा है कि हमारे देश में ही नहीं, अगर आप विश्व भर में भी देखें तो तीसरी बार लगातार जीत कर आकर सरकार बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, कोई भी चाहे राजनीतिक दल हो उसके लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जो है भारत की जनता ने उनको ये बहुमत दिया है कि वो सरकार का गठन करें, और कांग्रेस पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, जो पिछले 10 वर्ष से उनके पास नहीं था, क्योंकि उनकी जो नंबर ऑफ सीट थी वो जो है 10% से कम ही थी, एक बार 44 लाए, एक बार 52 लाए, तो इस बार उन्हें वो दर्जा दिया। और जहां तक ये बात है, देखिए गठबंधन सरकार, जब आपको पता है कि आप एक गठबंधन सरकार में है तो, और साथ ही साथ ये भी रोहित जी बात ध्यान में देने की है कि आज की भी तारीख में अगर आप सर्वे कराएं पूरे देश भर में तो प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है उस लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ नंबर ऑफ सीट कम आई है और उसके कारण है, जिसका विश्लेषण हर पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल को करना चाहिए और उसमें जो कमियां हैं उनमें सुधार लानी चाहिए। लेकिन एक नेतृत्व के रूप में आज भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति पूरे देश में एक अटूट विश्वास है, और उनके नेतृत्व में जो बाकी राजनीतिक दल है, क्योंकि अगर आप संख्या पक्ष देखें जी, और अगर आप परसेंटेज अगर देखेंगे तो 80% से ज्यादा सीटें आज भी भाजपा की इस गठबंधन में, जाहिर सी बात है। गीता जी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बीजेपी को कितनी सीट आई, एनडीए को कितनी सीट आई, बात हम उस इमेज की कर रहे हैं। जैसे कई ऐसे मसले हैं, चाहे एनआरसी का हो गया,
एनआरसी का मसला हो गया, मुस्लिम आरक्षण का मसला हो गया, इसको लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर हमेशा बात करती रही है। लेकिन आप नीतीश कुमार को देखिए, आप नायडू साहब को देखिए, इन दोनों का इन कोर इश्यूज पर बिल्कुल अलग है। और ये तो मैंने सिर्फ दो ऐसे ही बता दिए जो आम जनता भी इससे कनेक्ट कर पाएगी। आपको लगता नहीं कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे मसले हैं जिस पर चीजें ऑल इज वेल जो हम कहते हैं बिल्कुल स्मूथ ट्रैक पर चल रही है वो डिरेल हो सकता है? देखिए ऐसा है कि जब एक गठबंधन में कुछ राजनीतिक दल काम करते हैं तो वो आपस में एक एजेंडा की कौन कौन से जो विषय हैं जो कि जिसमें कि वो आगे काम इकट्ठा करने के लिए तैयार है ये बातचीत करते हैं। और ऐसी बातचीत एनडीए में भी जरूर हुई होगी और उन विषयों को लेकर वो आगे जाएंगे। और जो बाकी जो विषय है जैसे आपने एनआरसी का विषय लिया या बाकी, देखिए ये तो संवैधानिक रूप से जो है इसमें जो है पार्लियामेंट में संसद के द्वारा जो है एक अमेंडमेंट लाके और एक्ट लाया जा चुका है। अब उसको लागू करने में एक अपने जो साथ में जो दल काम कर रहे हैं उनको प्रेरित करने के लिए और उनको एक तरह से अपने साथ जोड़ने का प्रयास जो है वो भाजपा को करना होगा। और आने वाले समय में मुझे मतलब हम सभी को लगता है कि ये प्रयास करेंगे, उसमें कितना सफल हो पाएंगे ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। मतलब थोड़ा चैलेंजिंग तो है ही। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विमल जी प्लीज। देखिए रोहित जी, मैं आपकी बातों को मैं बता देना चाहता हूँ। जी सर जी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने शुरू में आपके चैनल से बोला, शुरू में डिबेट किया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने घटक दल का सम्मान करती आ रही है। आपने देखा था कि जैसे हमने जो है 3 कृषि कानून वापस लिया सरकार ने, तो हम अपने घटक दल से बात किए। घटक दल की जो है घटक दल ने बताया कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे चेंजिंग करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए, तो हमने वापस लिया। घटक दल डेढ़ सालों तक किसान आंदोलन चलता रहा, शिरोमणि अकाली दल और आपका गठबंधन बिल्कुल दूसरी थी। देखिए वो अलग हो गए, आज तक आप लोग साथ नहीं आ पाए। विमल जी प्लीज, अजय शर्मा जी किसानों की बातों तो ना ही करे तो अच्छा है। इनके समय में 7,000 से अधिक जो है किसान जो है आत्महत्या किए, तो ये किसानों की बात ना करे। आपने देखा प्रधानमंत्री जैसे जो है उन्होंने अपना पद ग्रहण किया, सबसे पहले उन्होंने जो है 9.3 करोड़ हमारे जो देश के किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता है, उनके अकाउंट में 2,000 रुपए डाला। उनके जो हमारे लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो है उनके जो है हमारे किसान भाई हैं उनके अकाउंट में डाला गया। ये 17वीं किस्त जो किस्त था वो किसानों के अकाउंट में डाला गया। मैं कहना चाहता हूं कि हम आपस में आपस घटक दल से बात करेंगे, हम उनको समझाएंगे या उनकी बातों को समझेंगे और हम आपस में बैठ के वो जो है निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें जो है गठबंधन वाले, इसमें जो है विपक्ष वालों को सोचने की जरूरत नहीं है। रही बात चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होने से ही निष्कर्ष निकलता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी वॉकआउट करते हैं ना, जब भी कोई जो है चर्चा सदन में किया जाता है आप देखिएगा, तभी राहुल गांधी जो है टिकते ही नहीं है, वो हमेशा वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो एक जो है मैं संवेदनशील तरीके से हमारे जो कांग्रेस के मित्र बैठे हैं उनसे कहूंगा, अपने नेतृत्व को एक बार जरूर बोलिएगा कि चर्चा बैठ के जरूर करें। ठीक है, क्योंकि हम अलायंस की बात करें, अजय जी तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, 40 सेकंड और एक बार विमल जी को दे दूं मैं। विमल जी अब क्योंकि स्पेशल सेशन को भी कॉल किया जाना है, सांसदों की शपथ होगी, लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, टाइम दे रहे हैं, पहले भी मुझे पूछ, अजय जी वापस उसके बाद आप ही कंक्लूड करेंगे, इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये यहां से भी कुछ सवाल आएंगे तो उसका भी जवाब पूरा आपको 1.5 से 2 मिनट दूंगा मैं इसके बाद। विमल जी क्योंकि अब संसद को भी कॉल करना है, सांसद प्रतिज्ञा लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद एक बड़ा चैलेंज होगा लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, चीजें ठीक है, तैयार हैं आप इसके लिए? देखिए मैं कहना चाहता हूं रोहित जी कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं और हम लोग मिल बांट के ही काम कर रहे हैं। जैसे हमने पहले जो है मिल बांट के काम किया है, हम अभी भी मिल बांट के काम कर रहे हैं, तो हमारे आपस में किसी प्रकार का कोई नाराजगी नहीं। और आपने देखा था नीतीश कुमार जी का, जब संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री जी को चूज किया जा रहा था, तो उन्होंने बकायदा बोला था कि जो है इसमें देरी क्यों है, इसको जल्द से जल्द, मुझे तो ये लगा था कि आज ही जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सारे लोग सहमति तरीके से और सबके मंजूरी के साथ जो है वो भी करके दिखाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीजें अच्छी है, सबका साथ सबका विकास की आप बात करते रहे। अजय जी के पास मुझे जाना पड़ेगा। अजय जी प्लीज आप बोलिए, आप तो पता नहीं क्यों हमेशा शिकायती मोड में ही रहते हैं मेरे साथ, मैं तो सबसे ज्यादा वक्त चाहता हूं कि आपको दूं। रोहित पोखरियाल जी, अजय वर्मा जी बताइए, राशन की बात कर रहे थे, गरीबों का निवाला, मैंने एक अखबार है नवोदय टाइम्स है, हिंदुस्तान का लोकल अखबार नहीं है बल्कि दैनिक पेपर है हिंदुस्तान का, ठीक है, मैंने यूपी में उसमें लिखा है कि निवाला, गरीबों के निवाला छीनने वालों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता, और बाबा को मैंने ट्वीट किया था और कहा था, पता उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जनपद में जो गरीबों को 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं, जिसको मोदी जी ने कहा मित्रों 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं, आप वोट हमें दीजिए नहीं पाप लगेगा, उस
पे 3000 करोड़ का घोटाला बुलंदशहर के एक जिले में हुआ है और 75 जिलों में अगर जोड़ दो सवा 200 करोड़ घोटाला। प्लीज बीच में नहीं बोला हूं मैं बीच में नहीं बोला हूं, ये अखबारों में है। उसमें एक डीएफओ सस्पेंड हुआ है, डीएसओ और 4 अधिकारी सस्पेंड हुए, राशन वाले जो भाजपा युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष के पिताजी को अरेस्ट करके बुलंदशहर में पुलिस ने भेजा है। तो ये गरीबों के निवाले में जो 5 किलो जा रहा है, अगर आप कैलकुलेशन करें, मेरे पास सैकड़ों लोगों के मैसेज और फोन है, 4 किलो बटता है अगर 1 किलो के हिसाब से 10 साल का जोड़ जोड़ ले अरबों रुपए का। चलिए कम से कम अजय जी आप ये तो मान रहे हैं कि कोई गलत कर रहा है तो कार्रवाई हो रही है। अभी आप कह रहे हैं गवर्नमेंट है पोल्यूशन में नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान से बाहर जब जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की एक टीम इनके साथ होती है, वो फोटो नहीं होते, इवेंट मैनेजमेंट होता है। 11,000 करोड़ रुपए आरटीआई में पूछा गया जो फोटो सेशन पे खर्च हुआ, सबसे पहले तो एनडीए के किसी के फोटो नहीं थे, कोई नहीं आता था मोदी 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 मोदी। नहीं मगर राहुल जी जाते तब भी लगते हैं ये तमाम चीजें तो तब भी होती है। नहीं हम नहीं हमारे देखिए अब दूसरी बात ये जो 240 सीट जीते हैं, 240 नहीं जीते, ये 140 जीते हैं। मैं समझ गया, 100 आप कहेंगे ईडी सीबीआई, 20 सीट सीबीआई की वजह से, 20 सीट आईटी की वजह से, 20 सीट चुनाव आयोग की वजह से और 20 सीट अदानी अजय जी सीटें और बढ़ जाती तो लोगों का नाम भी जोड़ देते, 100 सीटें फिर आप ईवीएम की भी जोड़ देते कि ईवीएम की वजह से 100 और जीत गए। मुझे कंक्लूड करना है अजय जी प्लीज, देखिए मैंने आपको 1.5 मिनट से ज्यादा वक्त दिया, गीता जी के पास में जा रहा हूँ, गीता जी 30 सेकंड्स फॉर यू, कंक्लूड कीजिएगा। गठबंधन की सरकारें इस देश में पहले भी चली हैं और या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी सारे मंत्रालय भी दे दिए गए हैं और जो 100 दिन का एजेंडा जो पहले से ही फिक्स था उस पे काम भी शुरू हो गया है। 3 करोड़ जो है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत घरों की भी घोषणा हो गई है और किसानों को जो 17वीं इंस्टॉलमेंट जानी थी उसे भी आज दे दिया जा चुका है। तो आगे आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो सकारात्मक ना करें, वो कुछ योगदान दें, जो भी नीतियां बन रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है और उम्मीद हम यही करेंगे कि इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित तो की जाएगी। और अभी क्योंकि कुछ ही वक्त में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा, संसद को कॉल किया ही गया है, वहां पर भी तस्वीर बिल्कुल साफ होनी है। विमल जी थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। अजय वर्मा साहब आप जुड़े हमारे साथ, थैंक यू। और गीता भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़ी हमारे साथ। तो गठबंधन है जरूरी नहीं है मजबूरी है, प्रधानमंत्री ने कह तो दिया लेकिन अब संसद को कॉल किया गया है और सीधे सीधे कितना मजबूत है एनडीए, कितना मजबूत है इंडिया, ये बातें अब से कुछ दिनों में ही सबके सामने आना शुरू हो जाएगी।